क्योंकि वो खुद से ट्रैक बना लेते हैं मोबाइल से, म्यूजिक ट्रैक, और अच्छा खुद से मतलब कि फोटो देख के और गाना अपलोड यूट्यूब पर कर सकते हैं, वो एडिट काहे नहीं कर सकते हैं। मतलब लड़का के कहते हैं एडिटिंग में माहिर था बहुत बहुत ज़्यादा। नहीं, और फोटो तो ये वाला हम भेजे थे उनको, क्योंकि वो बोले कि जो फोटो भेज ना, तो बिल्कुल सोनी बोली कि नहीं नहीं तो फोटो से क्या होता है, तो सोनी भेज दी। अच्छा। तो दर्शकों, अभी तक आपने देखा है कि इस वक्त पूरे देश में पंकज और सोनी का जो है प्राइवेट फ़ोटो एक लीक हो रहा है, और लोग ये कह रहे हैं, ज़्यादा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़ोटो रियल है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर फ़ोटो है, समझ रहे हैं। आज इनकी बहन है, सोनी की ही बहन है, इनका नाम दिलखुश यादव है, इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनसे पहले भी पूछ चुके हैं कि क्या है वो फ़ोटो, क्या रियल है। तो इन्होंने तो कहा था कि ये फ़ोटो रियल नहीं है, क्योंकि मेरी बहन तो उनके साथ कभी गई नहीं, ठीक है, और तब ये फ़ोटो साथ वाली सेल्फी कैसे हो सकती है। अच्छा ये बताइए, हज़ारों लोग ये बोल रहे हैं, लाखों लोग ये बोल रहे हैं कि ये फ़ोटो एडिटेड फ़ोटो नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब जैसे लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना ये है कि ये फ़ोटो एडिटिंग नहीं, एडिटेड नहीं है, और कुछ लोग लोगों का ये भी प्रतिक्रिया है कि ऐसी फ़ोटो एडिट भी की जा सकती है। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मेरी बहन कभी उनसे मिलने गई नहीं थी। अच्छा, कभी मिलने नहीं? कभी नहीं, मतलब कि वो बताई कि हाँ ये वाला फ़ोटो हमने उनके भेजे थे, हाँ। लेकिन कभी वो नहीं, क्योंकि वो खुद से ट्रैक बना लेते हैं मोबाइल से, म्यूजिक ट्रैक। अच्छा। और खुद से मतलब कि फ़ोटो देख के और गाना अपलोड यूट्यूब पर कर सकते हैं, वो एडिट काहे नहीं कर सकते हैं। मतलब लड़का के कहते हैं एडिटिंग में माहिर था बहुत बहुत ज़्यादा। ट्रैक म्यूजिक का ट्रैक भी फ़ोन में ही बना लेता, फ़ोन में ही बना लेता। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि देखिए, कोई भी म्यूज़िक का ट्रैक जो होता है वो कंप्यूटर्स में, और आपको ये भी बता दूं, ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं, मैकबुक प्रो होते हैं, उन सब चीज़ों में एडिट किया जाता है। म्यूज़िक का जो ट्रैक होता है उसको वो लड़का बता रही हैं कि वो फ़ोन में एडिट कर देता था, फ़ोन में बना देता था। जी, अब सोचिए, जब फ़ोन में बना देता था, तो इनका ये सीधा सीधा कहना ये है कि इन चीज़ों में वो लड़का माहिर था, और हो सकता है कि अगर इन चीज़ों में वो लड़का माहिर था, तो इसमें कई एंगल भी आ रहे हैं, कई एंगल से जांच भी किया जाएगा, और एक एंगल से ये भी जांच किया जाएगा, क्योंकि जब ये खबर चली है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड वाले फ़ोटोज़ को एडिट किया जा सकता है, ये आप जान लीजिए। तो मतलब ये आपके तरफ से सीधा ये है कि मतलब बहन आपकी फ़ोटो भेजी थी जी, क्या कहते पंकज को भेजी थी जी, आपने उस दिन हमको बताया ना, तो हम जाके आप लोग चले गए, तो हम पूछे, तो वो बताए कि क्योंकि हमने आज तक कभी उनके साथ मतलब कि मिलने गए नहीं, और फोटो तो ये वाला हम भेजे थे उनको, क्योंकि वो बोले कि जो फोटो भेज ना, तो वो बिल्कुल सोनी बोली कि नहीं नहीं तो फोटो से क्या होता है, तो सोनी भेज दी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आप कैसे जानती थी उस लड़के को कि वो लड़का जो है म्यूज़िक का ट्रैक वगैरह अपने फ़ोन से ही बना देता था, कि कैसे आपको पता चला था? कल सोनी बताई, सोनी बता रही थी, और मतलब ये सारी जानकारी सोनी ने खुद दिया जी जी, तब बता रही, तो सोनी रहती तो अभी पूरे बात साफ़ हो जाता, क्योंकि वही बोलती जो ये सब बात है। अच्छा, तो ये दर्शकों जांच का विषय है, और वीडियो या फोटो वो जो डॉक्टर्ड है या एडिटेड है, ये जांच लैब में जाएगा, लैब में पता चलेगा, और लैब में जब टेस्ट किया जाएगा तभी इसका जो है जवाब आपको मिलेगा कि वो फ़ोटो रियल है या फिर क्या कहते हैं फेक है। बाकी आप स्क्रीन्स पर अपने देखिए क्या लगता है आपको, अपनी भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या ये फ़ोटो फेक लग रहा है, एडिटेड लग रहा है, ज़रूर बताइएगा अपनी राय।